मिस राधे राधे। तो आज मुझे कहीं कहना चाहिए ड्रेस बनानी, तो ये मेरे लिए एक फैब्रिक की ये ड्रेस बनाऊंगी मैं समर की। तो इसका कलर है ग्रीन और ये है इसमें फ्लोवर। बिल्कुल सिंपली ड्रेस है, ना ही मैं इसमें कोई लेस लगाऊंगी ना ही कुछ और, बिल्कुल सिंपली बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लूँगी 5.5 इंच यहाँ से और 30 इंच चौड़ाई लंबाई लूँगी और 5.5 इंच चौड़ाई लूँगी। तो अब मैं दिखाती हूँ कान्हा जी की ड्रेस कट करके। सो हे गाइस, मैंने कान्हा जी की ड्रेस कट कर ली है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे सिल लें। तो मैंने यहाँ पे 30 इंच ये ले लिया और 5.5 इंच चौड़ाई ले लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ कान्हा जी की ड्रेस कट करके नहीं सिल के। सो हे गाइस, मैं दिखाती हूँ कान्हा जी की ड्रेस को कैसे मोड़ना है। तो मैं बता दूँ कि कान्हा जी की ड्रेस हमने 2 बार फोल्ड करनी है, एक बार तो ऐसे और फिर ऐसे। मैं एक बार सील के दिखाती हूँ कान्हा जी की कैसे हमें सील लिया। सो ये गाइस, हमने 2 बार फोल्ड इसलिए किया ताकि हमारे जो अगर एक बार ही फोल्ड करते तो इसमें से धागे निकल आते, थोड़े दिनों बाद धोते फिर धागे निकल आते। तो अब मैंने ये 2 बार फोल्ड कर दिया है तो अब धागे नहीं निकलेंगे। तो मैंने पूरे पर से सिलाई मशीन से सिलाई लगा दी है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हमें बेल्ट कैसे डालनी है। सो ये गाइस, मैंने कान्हा जी की अब लेनी कमर की, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंच कमर की लंबाई और चौड़ाई 2-3 इंच। अब मैं कट करती हूँ तो बिल्कुल सीधा कट लगाना है। सो हे गाइज, हमने कमर वाला जो फैब्रिक है उसको सीधा रखना है और जो ये वाला फैब्रिक है इसको उल्टा रखना है और दोनों को एक ही डायरेक्शन में करना है ताकि हम जब इसको सीध पहनाएंगे तब हमारे ये दोनों साइड सीधी ही आए। तो अब मैं दिखाती हूँ बेल्ट कैसे डालनी है। सो हे गाइज, इसको हमने उठा और ऐसे रखना है, नीचे वाले को नहीं घुमाना है। सो हे गाइज, मैंने एक प्लेट डाल दी है और इसके ऊपरी दूसरी प्लेट डालनी है बिल्कुल ऊपर। अब आपको ये सेम ऐसे ही दोहराते जाना है जैसे जब तक आपकी ये प्लेटें पूरे पे ख़त्म ना हो जाए।